ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੁੱਕ सलामकुम दोस्तों, जैसा कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, ठीक है, दोस्त के डेयरी फार्म पे, ये पीछे है डेयरी फार्म, और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। और आपने क्लिप्स में देखा, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है और मौसम सही हो गया है। और आपने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा फिसलन थी, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, ठीक है, नीचे उतरते वक्त। और चलें हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपिंग थी, हम बहुत ज़्यादा स्लिप हुए और हमारे कपड़े भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और अब मिट्टी जो है वो खुश्क हो चुकी है, देख सकते हैं। चलें अब चलते हैं, हम आपको BRB नहर दिखाते हैं और नहर का विज़िट करवाते हैं दोस्तों के साथ, और शुगल मेला लगाते हैं। चलें जाने लगे हैं रावी सैफन पे, दरिया के पास, दोस्त और मैं जाने लगा हूँ, तो चले चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं दरिया का। तो दोस्तों ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये झील है, तो इस झील के बारे में अमर भाई डिटेल बताएंगे कि क्या इस झील के बारे में डिटेल है। बताएं अमर भाई, ये क्या सीन है? नाज़रीन, इस झील के बारे में बताया जाता है कि ये रावी सैफन के करीब फिश फार्म बनाया गया था, तो पानी, ज़मीनी पानी इसके साथ टच हो गया, जिसकी वजह से अब ये झील बहुत ख़तरनाक बताई जाती है, और आज तक इसकी गहराई का पता नहीं है कि इसकी गहराई कितनी है। दोस्तों जहाँ तो हम दरिया की तरफ रहे थे, लेकिन रास्ते में ये झील नज़र आ गई, दोस्त ने कहा ये यहाँ पे एक क्लिप ले लेते हैं, यहाँ की डिटेल बता देता हूँ थोड़ी सी। और हमने दोस्त से, भाई आमिर से पूछा, डिटेल थोड़ी सी पूछी है झील के बारे में, और भाई आमिर ने डिटेल बताई है झील की। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, दरिया को देखने चलते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे दरिया है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और मेरे दोस्त भी मेरे साथ ही हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आए हों। यकीन जानो ये आपने पहले तो दरियाए रावी देखा ही होगा, लेकिन इतना प्यारा नज़ारा दरियाए रावी का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। तो आपने मेरे पीछे जो दरियाए रावी देखा है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, हमने इतना प्यारा नज़ारा देख लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं पत्थर, ये दरियाए रावी का बंद है। जब सैलाब आ जाता है या फिर पानी ज़्यादा हो जाता है, सैलाब ना आए ठीक है, सैलाब से बचाव के लिए ये बंद बनाया जाता है। ये नीचे देख सकते हैं आप। तो सीन कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा थकने के बाद हमने डिसाइड ये किया कि हम तरबूज तोड़ने आए हैं यहाँ से ठीक है, और हम अब बैठ के तरबूज खाएंगे सब दोस्त मिलकर। चलो भाई, और चाचा भी हंस रहे हैं। चाचा जी हाय कर दो, हाय कर दो, हाथ ला दो। वाह जी वाह, बल्ले। तो चलें चलते हैं, हम तरबूज खाने जा रहे हैं, एंजॉय करते हैं। लो जी मेरे दोस्त हैं जो वो तरबूज खा रहे हैं और अब मैं भी इनके साथ तरबूज खाना चाहता हूँ। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।